तो आप लोग मुझसे रास्ता पूछ रहे थे इस वाटरफॉल का। तो सबसे पहले हम गए खैरना, जो रानीखेत से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद हमने ये पुल क्रॉस किया और हम पहुँचे इस रोड पे, जिसका ऊपर से व्यू कुछ ऐसा आता है, लग रहा है ना ड्रोन शॉट, बट ये ड्रोन शॉट है नहीं, लेकिन फिर भी इसका व्यू बहुत ही अच्छा था, तो मैंने इस क्लिप को ऐड कर दिया, मैंने कहा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, ये रोड छोड़ी नहीं, इस रोड को फॉलो किया। रोड को फॉलो करते हुए हम पहुँचे हेयरपिन बैंड में, जहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से। फ़ोटो खिंचाने के बाद हम फिर इस रोड से आगे बढ़ते हुए गए और हम पहुँचे बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत गांव धनियाकोट में, जहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको गोभी देखने को मिलेगी। यहाँ गोभी की खेती बहुत अच्छी होती है और ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे को। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ट्रैक तो यहाँ से शुरू होता है नीचे को, लेकिन ये पानी आ कहाँ से रहा है, जो इतना सारा पानी है ना, ये आ कहाँ से रहा है, क्या ये बरसाती है? नहीं, ये पानी है नदी का। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको घाटी दिख रही है, यहाँ से नदी आती है। अगर थोड़ा ऊपर और चले हम तो यहाँ से ये पानी आता है, अगर थोड़ा ऊपर और चले हम तो यहाँ से ये पानी आता है, जो यहाँ से निकलता है और इस घाटी में गिरता है और कोसी नदी में मिल जाता है। हालांकि अभी बहुत अच्छा पानी हो रखा है वहाँ पे। और ट्रैक स्टार्ट होता है धनियाकोट से, हम पहले पहुँचे यहाँ पे, यहाँ से हम गए फिर यहाँ, और यहाँ से हमने पहाड़ी को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे पहाड़ी के बैंड पे, हम तीन लोग, और यहाँ से हम अंदर चले गए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने से पिछली वीडियो देखी थी कि हम गिरते पड़ते जैसे तैसे इस झाड़ी तक पहुंच चुके थे, इस पहाड़ को क्रॉस करते हुए। काफ़ी डरावना था, लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बोला कि भाई काफ़ी डरावना मतलब रास्ता था, लेकिन उतना डरावना था नहीं। अब वीडियो यहाँ से शुरू होती है, अंदर और भी ज़्यादा एडवेंचर है, और भी ज़्यादा। हाँ आ जाओ, हाँ आओ आओ, मुझे लग रहा है भाई अब आग भी है, खुशबू आ रही बहुत गंदी बाग वाली। वो आज भी हथियार नहीं लाए ना, हमेशा हथियार बोलते हैं। रास्ता ये है ना, खराब होगी भाई। आप गहरा नहीं है ना, ना वो गहरा है। Thank you.
भाई क्या जगह है यार। और रानीगंज से मात्र 30 किलोमीटर दूर है बस। भाई चीटे आते जा रहे हैं।